पश्चिमी उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मैदान सज गया है, प्रचार जोरों पर है। उनको श्रद्धांजलि एवं भगवान को पाके प्रार्थना करुछे तांकर आत्मार सद्गति निमित्त आज अधूरा पड़ीथिबा स्वप्न को साकार करबा पाई, अधूरा पड़ीथिबा कार्य को संपूर्ण करबा पाई ओडिशा रो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तांकर सुपुत्री वर्षा सिंह बरिया को भूतपूर्व विधायक विजय सिंह बरिहा के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, लिहाजा यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पुरोहित भी मैदान में हैं। श्री पुरोहित पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के सत्यभूषण साहू भी जमकर मैदान में जुटे हुए हैं। उनके अनुभव को भी पार्टी ने इस बार फिर से लाभ लेने की कोशिश की है। पदमपुर में बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करके एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 200 करोड़ रुपए किसानों के हित में देने की घोषणा करके इस आंदोलन को भोथरा कर दिया। लेकिन किसान आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा को भाजपा अपने खाते में दर्ज करा पाएगी, इसका पता 5 दिसंबर को मतदान के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो दिवंगत विधायक की पुत्री सहानुभूति वोट के लिए मैदान में है और इसका उनको लाभ मिल सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल इस बात को भी भुना रहा है कि भाजपा के राज में केंद्र में रेलवे की कई परियोजनाओं को पूरा करने की गारंटी तो दी गई रेलवे लाइन के विस्तार की, लेकिन उन योजनाओं को पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पद्मपुर उपमंडल को ज़िला बनाने की घोषणा करके विकास का एक नया दांव चल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ भी राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को मिल सकता है। पदमपुर सीट का आलम यह रहा है कि जनता ने तीनों ही पार्टियों पर बारी बारी से भरोसा जताया, चाहे वो बीजू जनता दल हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मतदान का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा ये तो आम जनता ही तय करेगी। लेकिन प्रचार के मोर्चे पर बीजू जनता दल जिस तरह से आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई, रेलवे की परियोजनाओं में भी पार्टी को निरुत्तर होना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 दिसंबर को पदमपुर ये तय करेगा कि किसकी झोली उसको भरनी है।